हेलो फ्रेंड्स, आस्था का किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे वड़ा पाव। मुंबई जैसा वड़ा पाव आप अपने घर पे बनाइए। इसके लिए चाहिए हमें उबला हुआ आलू, नमक स्वाद अनुसार, हरी मिर्च, हरा धनिया, गरम मसाला, करी पत्ता, खड़ा धनिया हल्का सा दरदरा किया हुआ, अदरक कद्दूकस किया हुआ। एक पैन में तेल लेते हैं, उसमें तड़का डालते हैं, धनिया डालते हैं, कद्दूकस किया अदरक डालते हैं, हल्का सा भूनते हैं। इसके बाद करी पत्ता डालते हैं, हरा मिर्च डालते हैं, सभी को अच्छे से मिलाते हुए भूनते हैं, गरम मसाला डाल लेते हैं, इसको भी अच्छे से मिलाते हैं। अब इसमें उबला हुआ आलू मिलाते हैं, आलू को अच्छे से मिला लेते हैं मसालों के साथ और मैश करते जाते हैं। आलू को बराबर मिलाते हैं और मैश करते जाते हैं। अब इसमें हम नमक मिलाते हैं अपने स्वाद अनुसार। नमक मिलाने के बाद अच्छे से चला लेते हैं, जिससे कि नमक सब जगह एक बराबर हो जाए। अब इसमें धनिया पत्ती डाल लेते हैं और अच्छी तरह से मिला लेते हैं। वड़ा बनाने के लिए हमारा मसाला तैयार है। अब इसे हम ठंडा कर लेते हैं। ठंडा होने पर इसका हम वड़ा बनाएंगे। जब तक हमारा मसाला ठंडा होता है, तब तक हम वड़ा को कोट करने के लिए घोल तैयार करते हैं बेसन का। उसके लिए हमें चाहिए बेसन, उसमें नमक स्वाद अनुसार, अजवाइन, हल्दी, इन सब को थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम घोल तैयार करेंगे। पानी एक बार में नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। घोल हमें ज़्यादा पतला नहीं बनाना है और ना ज़्यादा ही मोटा। देख सकते हैं हमारा घोल तैयार है। अब हम कैसे पता करें कि हमारा घोल सही है? इसके लिए एक बर्तन में पानी लेते हैं, उसमें थोड़ा सा घोल डालते हैं। बेटर अपने जगह पे है तब हमारा बेटर ठीक है। एक पैन में तेल गरम करते हैं, उसमें वड़ा हम डालते हैं, इसी तरह हम सारे वड़े को तल लेते हैं। जब वड़ा एक तरफ से सीख जाए, तब दूसरी तरफ से सेकते हैं। इसी तरह हम सारे वड़े को तल लेते हैं। जब वड़ा हमारा सुनहरा लाल हो जाए, तब हम इसे निकाल लेते हैं। वड़े के साथ हम थोड़ा सा मिर्च डाल लेते हैं। मिर्च में चीरा लगा के तलिएगा। हमारा वड़ा तैयार हो गया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं।
अब हम पाव लेते हैं। पाव में मीठी चटनी या लाल चटनी लगाते हैं और दूसरे साइड हरा चटनी लगाते हैं। मीठी चटनी की जगह आप सॉस का यूज कर सकते हैं। हमारा वड़ा तैयार है। हरे मिर्च के साथ गर्मा गर्म वड़ा पाव तैयार है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।